हाय, जो जीतते हैं उनके लिए सभी वीडियोस बनाते हैं, सक्सेस इज मेनी फादर्स, बट जो हारते हैं उनके लिए कोई कोई बनाता है। एंड ये वीडियो उनके लिए है जो, मतलब मैं हारना नहीं कहूंगा, जो इस अटेम्प्ट में नॉन विनर्स हुए। ठीक है, तो टेस्ट की हम बात करते हैं कि अगर आप देखो, आपको ज्यादा दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। गीता में भी ये लिखा है कि रिजल्ट को ज्यादा दिल से नहीं लगाना अगर आपने ऑनेस्ट अटेम्प्ट दिया है। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं बताता हूँ कि अगर आप खो भी जाते हैं ना तो भी आप दुखी रहते हैं, क्योंकि अगर आपका ऑनलाइन असेसमेंट कैंडिडेट्स की लिस्ट में, ठीक है, आपका नाम आ जाता तो दो रीजन होते, मतलब दो ही ऑप्शन है, येस या नो। नो हुआ तो ठीक है, आप दुखी हो कुछ दिन के लिए। यस होता तो आपको एंजाइटी होती है, आप दुखी होते हैं, स्ट्रेस होते हैं कि मेरे को नेक्स्ट राउंड कैसे करने हैं, इंटरव्यू और जीडी राउंड जो है उसके लिए होते हैं। फिर उसमें भी दो टाइप की एंजाइटी होती, या तो आप क्लियर करते या तो नहीं करते, दो रिजल्ट आते। अगर आप नहीं क्लियर करते तो बहुत दुख होता, अभी बिल्कुल द्वार पे आके जो है वापस मुड़ना पड़ा। एंड अगर हो जाता तब आपको ये टेंशन हो जाती कि भाई समर्स में मेरे ड्रीम कंपनी में लगेगा या नहीं लगेगा। मतलब पहले तो आपको कोर्स का होता, ठीक है, फिर कोर्स के बाद अगर आपको अपना चहेता मनचाहा कोर्स मिल जाता, फिर उसके बाद आपको होता कि मुझे समर्स में अच्छी जगह इंटर्नशिप मिलेगी कि नहीं ड्रीम कंपनी में। अच्छा, वहां भी हो जाता फिर आपको सारी समर्स यही टेंशन रहते कि मुझे यहां से पीपीओ मिलेगा कि नहीं, मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर फुल टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर वो भी मिल जाता ना तो आपको जो है ना खुशी फिर भी ना होती, क्योंकि किसी और का पैकेज या तो आपसे ज्यादा होता या कम होता, और दोनों केस में आपको ना होते। क्योंकि बात यह है ना कि हम अपनी सक्सेस जो है ना दूसरों से कंपेयर करके मेजर करते हैं। 1950s में यूएस, अगर आप कोई भी यूएस के इकोनॉमिक हिस्टोरियन की या वॉर हिस्टोरियन की या किसी के भी आप अकाउंट्स पढ़ेंगे तो वो ये बोलते हैं कि 1950s बेस्ट टाइम था। तो बहुत यूलोजाइज किया हुआ है 1950s को, हालांकि 1950s के मुकाबले अभी जो है क्राइम रेट कम है, डेथ रेट कम है और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ज्यादा है, हाउसेस बड़े हैं, बट अभी वो नहीं मानते। क्यों? क्योंकि 1950s में ना जो गैप था रिच और पुअर में वो बहुत कम था, ठीक है, अब बहुत ज्यादा है। और हमारी ये आदत होती है कि हम दूसरों से, ये मॉर्गन हाउसन ने इस बुक में भी यही बोला है, मोंटेस्क्यू ने भी पहले इसी बात पे जो है हिंट किया था। एंड एक ये बात भी है कि भाई एक फेस्टिंगर थ्योरी होती है, फेस्टिंगर थ्योरी बोलती है हम अपने आप को कंपेयर करते हैं हमारे जैसों के हिसाब से, हम अपने सक्सेस को मेजर करते हैं उस हिसाब से कि बाकी जो हमारे जैसे हैं वो किस लेवल पे, हम ये नहीं देख रहे कि हम खुद, हमारा कॉम्पिटिशन हम खुद ही है। ठीक है, तो होता क्या है, मैं आपको चीज बताऊं, अगर आपका मान लो आपके क्लास में हाईएस्ट पैकेज भी जाता तो भी आप खुश ना होते, पता है क्यों? क्योंकि मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक स्टडी हुई थी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस स्कूल्स इन द वर्ल्ड एंड मेरे हिसाब से रैंक टू है। वैसे कई लोग बोलते हैं मेरे हिसाब से स्टैनफोर्ड फर्स्ट है, चलो वो पर्सनल चॉइसेस है। तो उसमें क्या था कि उनको जो ग्रेजुएट कर रहे थे बच्चे, मतलब खत्म होने वाला था, उनको दो चॉइसेस दी गई। सिनेरियो वन कि आपका $160,000 मिलेगा आपको एंड एवरेज जो हो गया रेस्ट ऑफ द क्लास के एवरेज होगा $150,000। सिनेरियो भी था कि आपको $200,000 मिलेगा बट रेस्ट को एवरेज जो मिलेगा वो $220,000 मिलेगा। आपको पता है हार्वर्ड के लोगों ने भी क्या चूज किया, 87% द स्मार्टेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड चोज 87% चोज ऑप्शन ए कि हम कम में ले लेंगे लेकिन दूसरे वाले को हमसे कम होना चाहिए, हमें ज्यादा होना चाहिए। तो ये चीज जो है ना ये नेवर एंडिंग चीज है, तभी बोलते हैं नानक दुखिया सब संसार। तो इस चीज को ओवरकम करो, दिल पे मत लगाओ। एंड जैसा कि मेरा फ्रेंड गोकुल है एक, ठीक है, एंड ही कुड नॉट मेक इट दिस टाइम, लाइक आई रियली सिंसियरली विश कि वो कर जाता है बिकॉज ही इज अ वेरी डिजर्विंग कैंडिडेट। बट उससे मैंने पूछा कि भाई व्हाट नेक्स्ट, तो उसका एक जवाब था कि भाई अगली बार फिर से ट्राई करेंगे एंड अभी जो काम कर रहे हैं वो अच्छे से करेंगे, अगली बार और अच्छा अटेम्प्ट देंगे टेस्ट या उसके जैसे और अच्छे कॉलेजेस में आने के लिए। सो दिस इज द एटीट्यूड चैंपियंस एंड विनर्स आर मेड ऑफ एंड आई एम श्योर नेक्स्ट ईयर वो बहुत अच्छे कॉलेज में जाएगा। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें उन लोगों से जो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं। कोई बात नहीं, वो नॉन विनर है, लूजर नहीं है। थैंक यू।